नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सिमरन और इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी पर। तो इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, शिवराज सिंह चौहान के अधिकारियों के साथ में कॉन्फ्रेंस थी जो कि खत्म हो चुकी है, तो इस बारे में हम पूछते हैं हमारे एडिटर नवीन जी से। सही कहा सिमरन, इस वक्त जो है हमारे वॉइस ऑफ एमपी के पास एक बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो महत्वपूर्ण बैठक आज जो आईजी कमिश्नर और कलेक्टर और एसपी के साथ थी वो बैठक खत्म हो चुकी है। और इस बैठक के बाद जो खबरें निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है इस बैठक में नाराज हुए, उन्होंने जो है दो कलेक्टरों को तबादला किया है, जिसमें एक नीमच कलेक्टर भी है और एक बैतूल कलेक्टर भी है, जिनको जो है तबादला कर दिया गया और उनको हटा दिया गया है। इसके पीछे जो कारण जो निकल के सामने आया, जो हमारे को जानकारी मिली है उसके पीछे बताया जा रहा है कि पिछले जब नीमच कल एसपी जो थे मनोज राय, उनका तबादला हुआ था, उसके बाद से जो है ऐसी अटकलें निकली जा रही थी कि यहाँ के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और कलेक्टर के बीच जो है बन नहीं रहती, उसके बाद लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनको हटाया जा सकता है और उनके लेकर जो वे नाराज थे ओम प्रकाश सकलेचा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ओम प्रकाश सकलेचा जो नाराज थे तो उसका असर जो है यहाँ दिखा। और गौरतलब है आपको पता है कि ग्वालियर में जो है वहाँ पर व्यापार मेले का आयोजन किया गया था, जहाँ पर भरे मन से नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनके कैबिनेट मंत्री उनकी तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि अगर उनको मौका दिया जाता ओम प्रकाश सकलेचा जी को तो वे 8 महीने तक जो है इस व्यापार मेले को चला सकते हैं। साथ में इसके बाद जो है खुद उस भरे मन से जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी और ओम प्रकाश सकलेचा की तारीफ की थी। तो ऐसे में लगता है कि इसके बाद माना जा रहा है कि कलेक्टर के तबादले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो ओम प्रकाश सकलेचा हैं एक बड़े नए रूप में सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बड़ी पहुंच जो है केंद्र में तो है ही है, लेकिन अब इस तबादले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा उनकी जो है प्रदेश में चलती दिख रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ में आपको मैं बता दूँ कि बैतूल कलेक्टर को भी हटाया गया है और निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और गुना एसपी राजेश सिंह को भी हटाया गया है। साथ में गुना सीएसपी टीएस बघेल को भी हटाया गया है। तो यानी कि एसपी पर भी जो है आज गाज गिरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है प्रदेश भर में मिलावटखोर और भूमाफिया और खनिज माफिया के खिलाफ जो अभियान चला रखा था उसका असर जो है लगातार आपने देखा तो ग्वालियर और देवास में कांड दिखा था कि जहाँ पर देवास में एक वन कर्मी को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी तस्करों द्वारा। तो ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान नाराज थे और नाराज को लेकर जो है आज ये बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक का ही जो परिणाम है कि आज जो है नाराज दिखे और नीमच कलेक्टर और बैतूल कलेक्टर साथ में जो है गुना और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको हटाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। नमस्कार।